जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रविंद्र रैना साहब जिंदाबाद, रविंद्र रैना साहब जिंदाबाद, अशोक कौल साहब जिंदाबाद, अशोक कौल साहब जिंदाबाद, जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद, जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी साहब जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी साहब जिंदाबाद, अमित शाह साहब जिंदाबाद, द्रौपदी मुर्मू जी जिंदाबाद, द्रौपदी मुर्मू जी जिंदाबाद, द्रौपदी मुर्मू जी जिंदाबाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिंदाबाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिंदाबाद, द्रौपदी मुर्मू जी पूरे हिंदुस्तान में ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं। आप लोग बाखूबी जानते हैं कि जश्न किस लिए बनाए जा रहे हैं। मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूं कि शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक ट्राइबल लेडीज़ को जो है वो प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये बड़ी खुशखबरी की बात है। अलग अलग इलाकों में ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो है वो खुशी जता रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है वो अब हिंदुस्तान की प्रेसिडेंट जो है उसको बनाया गया है, एक बड़ा नाम और बड़े नाम के साथ। ट्राइबल कम्युनिटी को बड़ी खुशखबरी। हमारे साथ हारून साहब है और तमाम ट्राइबल के लोग जो खुशी जता रहे हैं। आज मिठाइयां जो है वो बांटी गई, तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं कि उनके पोस्टर जो है वो लेकर जो है वो लोग जश्न मना रहे हैं। आज मिठाइयों के साथ जश्न किया गया, तमाम ट्राइबल के लोग भी हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चौधरी हारून, जो एसटी के प्रेसिडेंट हैं और भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। हारून साहब, कैसा लगता है कि 70 साल के बाद एक ट्राइबल कम्युनिटी से एक लेडीज़ को एक प्रेसिडेंट बना दिया गया, किस तरीके से देखते हैं? आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में जो हमारी ट्राइबल के लोग हैं वो बहुत ही खुश हैं, क्योंकि अगर लोग कहते थे कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ जमात है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान का जो राष्ट्रपति था वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में बने थे। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में जैसे हमारे ट्राइबल लोग जो आते हैं, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिपी और शीन, उसके साथ साथ अगर हम हिंदुस्तान की बात करें जैसे मीना कास्ट है, मुर्मू है, इस एक गरीब कास्ट से एक लेडीज़ को बनाना बहुत बड़ी बात है। मैं दिल की गहराइयों से प्रधानमंत्री मोदी साहब का, अमित शाह साहब का, जेपी नड्डा का, पूरे हिंदुस्तान की टीम का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे ट्राइबल के लोग हैं, चाहे हमारे गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, गद्दी हैं, सिपी हैं, शीन हैं, जो भी ट्राइबल में आते हैं, आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक जश्न मना रहे हैं। कल भी काफ़ी लोगों ने हर बस्ती में एसटी मंडल से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर जश्न मनाया था। तो हमें इस बात की खुशी है कि ट्राइबल कम्युनिटी से इतनी बड़ी पोस्ट देनी, हिंदुस्तान की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना, ये बहुत बड़ी हमारे लिए फख्र की बात है। हमारे जितने भी ट्राइबल के लोग, हमारे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिपी, शीन, पूरे हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने जश्न मनाया। मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि गरीबी तबके को आप ज्यादा देखते हैं, उसमें चाहे हमारे ट्राइबल लोग हो, चाहे हमारे गुज्जर बकरवाल हो। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल नशे कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी का राज रहा, इन्होंने हमारे लोगों के साथ दलालियां की, लेकिन आज हमें फख्र है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें जो हमारे डीडीसी की रिजर्व की, उसके साथ साथ में फॉरेस्ट राज एक्ट लागू किया, 3 डीडीसी चेयरमैन के लिए इंप्लीमेंट नहीं है, वो इंप्लीमेंट मेरी बात, इस बात की हमें खुशी है कि 9 सीटें हमारे एमएलए के लिए रिजर्व की, ये भारतीय जनता पार्टी ने की, भारतीय जनता पार्टी की देन है। मुझे आज बड़ी खुशी है कि हमारे आज हम यहाँ जोड़ा फार्म में आए, सारे हमारे यहाँ साथी आए, हमारे कुछ लोगों ने पार्टी भी ज्वाइन की और जश्न भी मनाया। मैं दिल की गहराइयों से हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब, पूरी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में जो हमारा मिशन है 50 पार, हम जम्मू कश्मीर में वो 50 पार करेंगे और जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर जो हमारा होगा बीजेपी का होगा, सरकार हमारी बनेगी। मैं दिल की गहराइयों से सारे अपने एसटी के लोगों का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने ये आज प्रोग्राम रखा। हमारे जम्मू कश्मीर के एसटी मोर्चा की हर टीम में, हर मंडल में, पूरे जम्मू कश्मीर के हर जिला में आज प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे लोग, और लोगों में बहुत खुशी है कि जो मुर्मू जी हमारी ट्राइबल कम्युनिटी से जो हिंदुस्तान की एक राष्ट्रपति बनाई। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ मोदी साहब का, अमित शाह साहब का, जेपी नड्डा साहब का, जिन्होंने हाईकमान ने इतना बड़ा फैसला लिया। मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाले वक्त में हमने समाज को साथ में लेकर चलना है, अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ना है, ताकि हमारा जो एक हमारा एक दिल की चॉइस है कि हाँ आने वाले वक्त में हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएं, भाजपा की सरकार हो और सभी लोग हमारे साथ जुड़ें, अच्छे तरीके से हम भाजपा का कदम आगे बढ़ा के चलें।
ये तो वक्त ही बताएगा कि जम्मू कश्मीर में किसी सरकार बनेगी, वरना साफ ये मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग आज जश्न मना रहे हैं। जश्न इसीलिए मना रहे हैं, आप लोग बाखूबी जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अलग अलग पोस्ट जो है वो वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं। इसीलिए वायरल हो रहे हैं कि आखिरकार एक इतिहास में पहली बार एक ट्राइबल वूमेन को जो है वो प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये बड़ी खुशखबरी की बात है। जम्मू कश्मीर के तमाम ट्राइबल लोगों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकें, और ट्राइबल कम्युनिटी जहाँ पर भी बस रही है उन लोगों के अंदर काफ़ी खुशी है। ये खुशी का इजहार आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को ये रिपोर्ट जो है वो जोड़ा फार्म से दे रहा हूँ। फिलहाल आप देखते रहें जेके यूटी अपडेट, रोबिन चौधरी।